दोस्तों आज एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे एजुकेशन और बुद्धिमानी में डिफरेंस, शिक्षा और बुद्धिमत्ता में क्या फ़र्क होता है। ये कहानी है पिछले कुछ सालों पहले की, जो कहीं पढ़ी मैंने। उसमें यह था कि एक व्यक्ति था, उसकी पकौड़े की बहुत अच्छी दुकान थी, बहुत सक्सेसफुल व्यापारी था, बहुत अच्छे पकौड़े की दुकान उसकी चलती थी, बहुत लोग उसकी दुकान में आया करते थे। वह व्यक्ति बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो बाकी लोगों की तुलना में अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रहा था। थोड़े टाइम बाद उसका बेटा भी उसके बिज़नेस में शामिल हुआ। उसका बेटा कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करके आया था, पढ़ा लिखा था। तो उसने उसको बताया कि अभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी आ रही है, और आर्थिक मंदी जो आ रही है उसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है, और वो आगे बहुत भी ज़्यादा विकट स्थिति होने वाली है आर्थिक मंदी की वजह से। तो ऐसे में हमें अपनी इस दुकान के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके पिता ने सोचा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये तो कहीं से MBA करके आया है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसने बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा होगा, बिजनेस फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा होगा, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ा होगा, तो मुझे इसकी सलाह को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसकी सलाह को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए। ये सोचकर उस दुकानदार ने वहाँ पर जो अपना सेटअप था, उसके जो रोज़ उसको जो सप्लाई के सामान के ऑर्डर दिया करता था, जैसे जो भी उसमें जो मटेरियल चाहिए होता है पकौड़े की दुकान चलाने के लिए, वो सब ऑर्डर उसे देना कम कर दिया, दुकान का डेकोरेशन कम कर दिया, दुकान का मेंटेनेंस कम कर दिया, और जो सिटिंग जो बैठने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी लोगों के लिए वो भी हल्की कर दी। इसके बाद धीरे धीरे और उसका चेहरा भी मुरझाया सा रहने लगा। वो इस डर में रहने लगा कि बात तो आर्थिक मंदी आने ही वाली है, अब दुकानें आगे उतनी चलेगी नहीं। तो ये सब देखते हुए धीरे धीरे उसके दुकान में ग्राहक आना कम हो गए, और जैसे ग्राहक आना कम होते गए धीरे धीरे उसकी दुकान लगभग जैसे चल रही थी उससे आधी हो गई, और कुछ टाइम बाद वो दुकान ऐसी हो गई कि वो दुकान चलने लायक रही नहीं, उसको अल्टीमेटली दुकान बंद करनी ही पड़ी। अब बात आती है कहानी का निष्कर्ष क्या है। इस कहानी का निष्कर्ष है कि आपको किसी भी व्यक्ति की सलाह आँख बंद करके नहीं माननी चाहिए। पढ़ा लिखा होना और बुद्धिमान होना दोनों अलग अलग बात है। जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा अंक लाने वाला है, बहुत बड़ी डिग्रियां धारी करने वाला है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उसका जजमेंट भी उतना ही सफल हो, या ज़रूरी नहीं कि उसकी बुद्धि और विवेक भी उतनी सफल तरीके से काम करती हो। शिक्षा प्राप्त करना सिर्फ मेमोराइजेशन की बात है, सिर्फ और सिर्फ डेटा माइंड में रट के उसको रिप्रोड्यूस करने वाले बात है। रट के रिप्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को मेमोराइज करना, सिर्फ मेमोरी दिमाग के अंदर फीड कर लेना ही सब कुछ नहीं है। उस जो नॉलेज गेन किया है उसको सही जगह अप्लाई करना, उसका एप्लीकेशन करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी को अपना प्रूडेंट डिसीजन लेना आना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, कौन सा नियम कौन सा सिद्धांत कहाँ पे अप्लाई करना है उसमें उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसको मैं सही जगह अप्लाई कर रहा हूँ, या मैं तो कैसे किसी भी चीज़ को कहीं भी अप्लाई कर रहा हूँ। कुल मिला के बात यह है, कोई भी नॉलेज हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, उसको प्रयोग करते टाइम, उसको अप्लाई करते टाइम आदमी को अपना बुद्धि और विवेक लगाना चाहिए, और किसी भी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।